Good morning to all. Today is day 4, lesson number 2, numbers up to 200. इसके अंदर जो है मैंने आपको first video में ही चीज बताई थी कि हमारा जो lesson number 2 है वो बड़ा है और उसके अंदर जो मैंने actual में हमको क्या learn करना है, क्या हमको समझना है, मैंने आपको बताया था कि वही चीज को हम यहाँ पर apply करेंगे और वही चीज learn करेंगे. तो आपको textbook को देखना है, ठीक है. जो जो मैं आपको यहाँ पर करवा के दे रहा हूँ, जिससे पहले हमने नंबर इज वर्ड, ठीक है, वंस, टेन, हंड्रेड, देन उसके बाद बिग नंबर और स्मॉल नंबर, ये सारे हमने लर्न किया था, ठीक है. तो वो उसके एग्जांपल्स जो है आपको टेक्स्ट बुक में दिए, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, उसी का आपको यूज करना है. और वहां पर नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, तो आपको नंबर्स को लेकर परेशान नहीं होना है. तो आप जो है, मैं जितना आपको वीडियो में यहाँ पर जो एक्सप्लेन करूँ, अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो टेक्स्ट बुक का जो भी आपको एग्जाम्पल दिया हो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है. जो टेक्स्ट बुक में है वही आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है. तो आज का जो हमारा लेसन वो इवन नंबर एंड आउट नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. इवन नंबर आउट नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. जैसे There are five boys. ठीक है, पांच boys जो है खड़े, समझ लो, इमेजिन करो कि आपके सामने five boys खड़े, ठीक है. और आपको जो है five boys खड़े, अब सामने वाला क्या बोला है कि आपको दो दो की जोड़ी में आना है, ठीक है, दो दो की जोड़ी में मेरे पास आना है, ठीक है. तो जोड़ी को हम कहते हैं पियर, जोड़ी पियर, ठीक है. तो टू टू की पियर्स में आपको आना है. तो टोटल बॉयज कितने हैं, फिंगर्स आगे करो आपके, ठीक है, फाइव बॉयज कितने की पियर्स में आगे, टू टू की पियर्स में आगे, ठीक है. सो आपको वहां पर क्या है, दो दो के पियर्स में जब दो आते बचाए, ठीक है, टू टू की पियर्स के लिए, ठीक है, ऐसे समझ में, ये बॉय एक पियर, ये बॉय एक पियर, बचा एक बॉय, टोटल कितने, बचा है, ठीक है. सो ये जो पेयर है, ये जो पेयर होती है, ये कितनी पेयर, इसमें कितने, टू, ये टू, ये वन. तो ऐसे नंबर जो पेयर्स नंबर बनाते हैं उसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है. और ऐसे नंबर जो पेयर्स नहीं बनाते उसको बोलते हैं आउट वन नंबर. जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ये टेन नंबर्स, वन टू टेन नंबर्स में ब्लैक बोर्ड पर राइट आउट करें. इसमें से हमको फाइंड आउट करना है इवन नंबर एंड आउट वन नंबर, ठीक है. इसमें इवन नंबर कौन सा है, किसकी किसकी पेयर बनेगी, आप देखेंगे. जैसे आज मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया है, चलो अपने वापस से लेते हैं, टेन बॉयज है, सबको क्या करना है, टू टू की पियर्स बना दो, ठीक है. तो टेन बॉयज है, फिर ये वन, ये टू हो गए, फिर ये टू और टू, ये फोर, ये वन टू थ्री फोर, समझ में आ रहा, ये कितने हो गए, सिक्स, वन टू टू, वन टू और वन टू फोर, समझ में आ रहा, ठीक है. देन समझ में आया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है. तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे जो ऑफ नंबर है वो कौन सा है, टू फोर सिक्स एट एंड टेन. तो जो थिंग्स की या जो भी किसकी पेयर्स बनती है या नंबर्स की पेयर्स बनती है उसको बोलते हैं इवन नंबर, और जिसकी पेयर्स नहीं बनती है उसको बोलते हैं ऑड वन नंबर. जैसे थ्री फाइव सेवन
1B. ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9. देखो 1 to 10 में से हमने इवन नंबर भी निकाल लिया और ऑड नंबर भी निकाल लिया, सो है इंटरेस्टिंग। और आपको समझ में आया था कि कैसे इवन नंबर किसको बोला जाता है और ऑड नंबर किसको बोला जाता है। जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ और बड़ा बिग नंबर लेता हूँ जैसे 68 and 63, इसमें ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर। आप बोलेंगे सर कैसे आओ कैसे, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 तक है ना, इसीलिए अभी देखिए आपको ये पेयर बन गई, ये दो देखिए यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको वहां पर बता दिया, यहाँ पे देखिए 2 और ये क्या है,